आओ पढ़ें। मानव और तीन भालू। मानव एक बहुत नेक और अच्छी बच्ची थी। एक बार गर्मी के मौसम में वो अपने अब्बू, अम्मी और छोटे भाई के साथ नाना के गांव गई। सब बुध के दिन खुशी खुशी रेल में बैठे। रेल में जाते हुए सबने आलू और टमाटर के खेत और आम का खूबसूरत बाग देखा। बाग के करीब एक बहुत बड़ा दरिया था और लोग दरिया से मछलियां पकड़ रहे थे। सब नाना और नानी के गांव जाकर बहुत खुश हुए। नाना के घर में गाय, बैल, भेड़, मूँह और मुर्गियाँ थी। सबको गांव में गर्मी के मौसम में बहुत मजा आ रहा था। एक रोज मानो अब्बू के साथ नाना के खेत सैर को गई। अब्बू ने मानो से कहा कि करीबी खेलो, ज्यादा दूर ना जाना। मानो खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो रास्ता भूल गई थी। उसको याद आया कि इसके अब्बू ने कहा था कि दूर ना जाना। अब मानो बहुत परेशान हुई और रोते रोते आगे जाने लगी। कुछ दूर जाकर इसने एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा। वो इस बाग में गई कि कोई इसको रास्ता बताए। इसने कई बार मदद के लिए आवाज दी। बाग में कोई उसकी मदद को नहीं आया। मानो बहुत भूखी थी। धूप भी बहुत हो रही थी। मानो को एक तालाब नजर आया। मानो ने तालाब से पानी पिया। फिर मानो आगे बढ़ी। रास्ते में मानो को एक आम नजर आया जो टूटकर गिर गया था। मानो ने आम को धोया और खाने लगी। मानो आम खाकर एक दरख्त के पास सो गई। इस बाग में तीन भालू रहते थे। एक अब्बू भालू, एक अम्मी भालू और एक मुन्ना भालू। मुन्ना भालू अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बाहर खेलने गया था। जब सब बाग में आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची दरख्त के पास सो रही है। अब्बू भालू को बहुत गुस्सा आया। अब्बू भालू ने जोर से कहा, कौन हो तुम? मानू आवाज सुनकर उठ गई और सबको देखकर डर गई। मुन्ना भालू ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? सब भालू मानो के करीब आने लगे। मानो डर कर जंगल की तरफ भागी। मानो बहुत दूर तक भागती गई। आगे जाकर
मानव को नाना का खेत मिल गया। अब्बू और नाना मानो को देखकर बहुत खुश हुए और मानो से कहा, मानो तुम कहाँ गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मानो ने रोते हुए कहा कि मैं जंगल में खो गई थी। फिर मानो ने सारी बात अब्बू को बताई। अब्बू ने मानो से कहा कि अम्मी अब्बू की बात मानते हैं और अम्मी और अब्बू से पूछे बगैर नहीं जाते। मानो ने अब्बू से कहा कि अब्बू, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी और आपकी बात मानूंगी।